अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हिसार के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. वीआर कंबोज ने। समारोह में हिसार की जिला उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी के साथ जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। समारोह का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत से लेकर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। गीता महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. वीआर कंबोज ने मंच से बोलते हुए कहा कि दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में गीता में निहित उपदेशों को आत्मसात किया है। कुछ लोगों को भ्रम है कि हिंदू गीता केवल हिंदुओं का ही एक ग्रंथ है, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि गीता किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन के सार का एक सार्वभौमिक संदेश देती है। और जितने भी हमारे चाहे विदेश में चाहे देश में महान इतिहासकार हुए उन सब ने ही गीता को सराहा है, और इसके प्रेरणा लेते हुए गीता से उन्होंने अपने जीवन को सरल भी बनाया है और समाज के अंदर ऐसे उद्देश्यों को लेकर वो चले हैं, तभी वो देश महान है और भारतवर्ष ने इस दुनिया को मार्ग दिखाया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सभी ग्रंथों के माध्यम से हम लोग अपने जीवन के अंदर प्रकाश डालते हुए, प्रकाश फैलाते हुए अपने जितने भी हमारे आपस में रहने वाले हम लोग एक परिवार के रूप में सच्चाई के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे भी बढ़ेंगे और साथ में अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने महोत्सव की सफलता में अपना योगदान दिया। इस समारोह में मूक बधिर विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया, उनकी प्रस्तुति भी शानदार रही। इसके साथ ही इस समारोह में सभी प्रस्तुतियों को सांकेतिक भाषा में भी प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से गीता जयंती महोत्सव में नया प्रयोग भी दृष्टिगोचर हुआ। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने समारोह की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। कि जो गीता का उपदेश है वो सीधे तौर पे सब लोगों के दिल और दिमाग में बैठा है। इसी के साथ किसी भी आयोजन में जितने आयोजनकर्ता परफॉर्मर्स की इम्पोर्टेंस है, उतनी ही जो ऑडियंस है उनकी भी इम्पोर्टेंस है। और मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ की जो ऑडियंस थी, इस कॉलेज के जो बच्चे थे उन्होंने हर्षोल्लास के साथ हर एक परफॉर्मेंस में मोटिवेशन बनाया, उन्हें सफल किया, और उसी के चलते जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की। इसके लिए इस हर्षोल्लास, इस जोश को मैं सलाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो एनर्जी है आगे भी आने वाले समय में राइट डायरेक्शन में यूज़ करते हुए इस कॉलेज के सभी बच्चे
इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम गीता जयंती का सेलिब्रेशन है, इसका जो मेन मकसद है हमारे हरियाणा प्रदेश की जो सांस्कृतिक और संस्कार की धरोहर है उसे हम संजो सकें, उसे हम प्रोपगेट कर सकें, उसमें सफल रहा और आगे आने वाले समय में जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी गीता के जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में समावेश करेगी। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो कि व्यवहारिक जीवन जीने का संकल्प हमें सिखाती है और आज के समय में जो हम कहते हैं MBA उसके बराबर की जो नॉलेज है, जो पढ़ाई है, जो सूत्र है वो सब गीता में समाहित है। गौरतलब है कि गीता केवल मात्र एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, इसमें समस्त वेदों का सार निहित है। श्रीमद् भागवत गीता के पठन पाठन से जीवन में व्याप्त समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। जीवन को सहज, सरल और सुगम बनाने का मार्ग दर्शाती है गीता। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इसमें दर्शाए मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है।